लिखिए। हाँ क्वेश्चंस करेंगे, अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड। फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, इजी से स्टार्ट करते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, मेरे अगले क्वेश्चन लिखे तक आपके पास टाइम है। सर सर x belong to all real number excluding the integers। हमने integers को छोड़ के सारे real number। यस सर, यही 77 की पावर x माइनस 777 की पावर x। हाँ सही कह रहे हो, इसमें तो यही होगा क्योंकि x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट हो जाए। x माइनस x ग्रेटर देन जीरो चाहिए आपको, तो यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन जीरो चाहिए आपको। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपको ग्रेटर देन जीरो चाहिए, है ना? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। यस सर, है ना? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बट प्रॉब्लम ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जीरो हो जाता है जब x इंटीजर हो, तो वो प्रॉब्लम को हटा देते हैं। तो देयरफॉर आपका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, आपको अंदर ले लीजिए। हाँ सही है। अनिरुद्ध ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, नेट दिक्कत कर रहा है क्या इसका? आ गया, चलो ठीक है। इसको देखो, अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, तब तक है सर इस वाले का माइनस इनफिनिटी टू जीरो जीरो इंक्लूडेड। माइनस इनफिनिटी टू जीरो जीरो इंक्लूडेड, यस यही होना चाहिए। इसका भी डोमेन निकालना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस कॉस एक्स, फाइंड डोमेन। हाँ देखो ये इसमें क्या है, ये 77 की पावर x माइनस 777 की पावर x ग्रेटर देन जीरो चाहिए आपको, तो इसका मतलब है कि 77 की पावर x ग्रेटर देन 777 की पावर x चाहिए आपको, ठीक है ना? यहां पर अगर मैं ग्राफ का इस्तेमाल करूं, एक ग्राफ बना लूं मैं 77 की पावर x और एक ग्राफ बना लूं मैं y इक्वल टू 777 की पावर x, तो आप देखोगे कि दोनों का ग्राफ लगभग सेम ही है, बस स्लोप दोनों का डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा। लाल वाला ग्राफ मान लो ऐसे गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, लेकिन ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है 77x का, जीरो पे दोनों वन देंगे ना, यहां से ये बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहां पर ये नीचे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा ये वाला, ठीक है ना? तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि लाल वाला ग्राफ कहां पर ऊपर है, माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक, देखो लाल वाला ग्राफ ऊपर है, वही आपको चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो, जीरो इंक्लूडेड, ये आपका आंसर है। ये वाला देखो सर, इसमें तो ग्राफ बना के करेंगे ना, इसमें ग्राफ बना के करके, इसमें और कुछ चारा है ही नहीं दूसरा, क्योंकि दो डिफरेंट नेचर के फंक्शंस है इसमें। अंडर रूट फंक्शन का अपना नेचर तो है ही, है ना? ग्रेटर देन जीरो, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए आपको, बस यहां से आप वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन कॉस एक्स, एक ग्राफ आप ये बना लो
और एक बना लो cos x का ग्राफ, ठीक है ना? यस सर, फिर जिसका ग्राफ ऊपर होगा वो ग्रेटर होगा। किस क्या आ रहा है वो रे, डोमेन निकालना हमको, अब किस रेंज में वो ऐसा हो रहा है वो देखना है आपको। cos x का ग्राफ माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू ऐसा कुछ बनेगा ये, है ना? थ्री पाई बाई टू है, बस इतना काफी रहेगा मेरे ख्याल से, इतना ही बना लेते हैं, ठीक है ना? ये मेरा ग्राफ है वाई इक्वल टू कॉस एक्स का, और वन माइनस पाई होगा ना, पाई 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 बाई, ये थ्री पाई बाई टू, और ये आगे टू पाई हो जाएगा ऐसे ही। अब दूसरा वाला जो ग्राफ है वो है पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा नहीं? यस सर, यस सर, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो x is 1 minus x square by 2 equal to 0 कर दोगे अगर आप, तो प्लस माइनस रूट, हाँ तो प्लस माइनस 1 minus 1 by root 2 कहीं यहाँ होना चाहिए, 1 by root 2 कहीं यहाँ होना चाहिए, है मेरे ख्याल से, ठीक है ना? और इस पे जीरो पे ये वन, वन इसकी ये आ गया वन, यहां तक जाएगा ये ऐसे, ये आपका पैराबोला बन गया। तो आपको पैराबोला बड़ा होना चाहिए, कहीं बड़ा दिख रहा है आपको? सर सिर्फ एक ही पॉइंट है जीरो वाला, बस एक ही पॉइंट है, यानी कि एट एक्स इक्वल टू जीरो, सिर्फ एक्स इक्वल टू जीरो पे, वो भी बड़ा नहीं हो रहा, वो भी इक्वल हो रहा है, और क्योंकि इक्वल चाहिए इसलिए ना। yes, तो x equal to 0 yes, is only point. तो आपका जो डोमेन है ना वो एक ये केवल जीरो ही है इसका डोमेन, एक ही एलिमेंट आया जो भी ग्राफ ने बताया, देखो है ना, पैराबोला था ये दिया कुछ इस तरह से था, ये अगर मान लो इसे काट लेता यहां से तो फिर बढ़ जाती चीजें। हाँ, एक या ये करो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन निकालना है। ये थोड़ा आसान है, ठीक है? और तब तक आप, मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक दूसरा क्वेश्चन कोई, एफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स रूट ऑफ अंडर रूट वन माइनस फाइव की पावर एक्स, सेवन की पावर माइनस एक्स माइनस सेवन, इसका भी डोमेन निकालना है आप। चलिए ऊपर देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सर, इसे की तीन वैल्यू हो सकती है, टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर की, वन माइनस वन और जीरो। तो रेंज की बात होगी ना फिर आपकी, तो यस सर, डोमेन की बात कर। अच्छा हाँ, ये तो सिंपल साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी याद करो, कर दें माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री। नहीं नहीं, ये जो है आपका ये माइनस वन से वन के बीच में लाई करना चाहिए। यस, और जब ये माइनस वन से वन के बीच में लाई करना चाहिए, तो कल हम लोग ने एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी पढ़ी है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और ये वन है तो ये क्या बन जाता है, टू बन जाता है, वन प्लस वन टू हो जाता है, और इस तरह माइनस वन ही रहेगा, इक्वल टू है। तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो से वन, टू इधर गया तो ये कितना माइनस थ्री हो गया, और इधर आ गया तो ये जीरो हो गया। यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर करूं तो माइनस भी हट रहा है, तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी, एक्स
एक्स स्क्वायर जीरो से वन के बीच में, इसका मतलब x को कहां से कहां तक होना पड़ेगा, माइनस वन से जीरो, माइनस वन से वन एक्सक्लूडिंग जीरो, ये किया था आपने, बताइए क्या है, ऐसा क्यों है ये? तो जीरो ले लेंगे सर, तो उसको साइन इनवर्स टू आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पर भी ना, मतलब सपोज यहाँ से भी देख सकते हो ना, जीरो इंक्लूडेड नहीं है, देखो। यस सर। तो इसे जीरो को एक्सक्लूड करना पड़ा, और आपने ऊपर भी वो लॉजिक भी दिया कि अगर जीरो पुट कर देंगे तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए तो जीरो को एक्सक्लूड कर रखा है ना, ये देखो, इस वजह से भी ये, तो ये स्क्वायर की आइडेंटिटी को ऐसे सॉल्व किया, माइनस वन से वन, बीच में एक पॉइंट मिसिंग है, ठीक है, ये आया था आपका आंसर? यस सर। ये देखो तो सर, एक सेकंड कर रहे हैं सर, रुक जाइए, ये थोड़ा सर, एक सेकंड कर लो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हटाऊं, कोई स्पेस में करते हैं, हाँ ये था एफ एक्स इक्वल टू सिक्स रूट ऑफ, सर एक मिनट रुकिए, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस नए पेज में, सेवन की पावर माइनस एक्स माइनस सेवन, फाइंड डोमेन सर, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, नॉट इंक्लूडेड यूनियन जीरो से इनफिनिटी, रूट निकाल लिया अंदर वाले के, और नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ग्रेटर देन जीरो, और ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा नॉट इक्वल टू जीरो, यही से आ जाएगा, yes. ठीक है, तो जीरो वन, ठीक है, आंसर तो यही आ रहा है। देखो यहां पर मैं एक ये कर सकता हूं, फाइव की फाइव एक्स माइनस वन अपॉन इसको सेवन की पावर माइनस एक्स माइनस सेवन लेस देन जीरो कर दूं, और एक केस बना लूं, केस वन, आप ये बताओ मुझे ए बाई बी नेगेटिव कब होता है, जब या फिर दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव नहीं हो, फाइव एक्स माइनस वन नेगेटिव हो, अच्छा ये सर हूँ, और ये वाला पॉजिटिव हो, जो डिनोमिनेटर में इसको लेके इक्वल टू नहीं लगाते हैं, यहां से इसको सॉल्व करें, अगर वन को फाइव की पावर जीरो लिख सकते हैं, तो एक्स लेस देन जीरो आ गया, और यहां पर एंड अगर इसको देखें, सेवन की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन सेवन की पावर वन, तो ये माइनस एक्स ग्रेटर देन वन हो गया, तो इंप्लाइज एक्स लेस देन माइनस वन, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे एक रिजल्ट मिलेगा, ये कह रहा है जीरो के लेफ्ट में, और ये कह रहा है माइनस वन, ये दोनों को लेफ्ट में ही बोल रहा है ना, लेस देन ही बोल रहा है, yes, sir. तो ये आपका कंबाइन करके हो गया माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, ये आपका एक ब्रांच, तो एक केस का सॉल्यूशन तो ये है। सिमिलरली केस टू ले लो, केस टू में इसका उल्टा हो जाएगा, ये जो फाइव एक्स माइनस वन है इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इस वाले को मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये फाइव एक्स लेस देन फाइव की पावर जीरो, x less than 0 आ गया यहां से, और यहां से 7 की पावर माइनस है, सर आपने इक्वेटिव कर दो, इक्वेटिव लग गया आपने गलती से, कौन सी यही वाली 5 की पावर x वाली नीचे देखो, वो बदलेंगे नहीं ना सर, नेगेटिव का नहीं, नहीं मैंने वो इनइक्वालिटी चेंज कर दी, इनइक्वालिटी चेंज थोड़ी होगी ना, अच्छा तो ये ग्रेटर देन ही रहा, ये भी ग्रेटर देन रहा, जीरो एंड पे चल रहा है, तो माइनस एक्स लेस देन वन, यहाँ से एक्स लेस देन माइनस वन हो गया, इसे कंबाइन करें,
तो ये माइनस वन के लेफ्ट में बोल रहा है सर, यहाँ x ग्रेटर देन माइनस वन हो। यस सर, ग्रेटर देन माइनस वन आ रहा है। अच्छा ये माइनस x है, लेस देन ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है रुकिए, ये वाला चेंज होना, ग्रेटर देन माइनस वन, तो माइनस वन से ग्रेटर देन हो गया, ये माइनस वन से ग्रेटर देन मतलब राइट साइड में। यस सर, माइनस वन सर, माइनस वन से इंफिनिटी यहाँ से हो गया। एक्स दोनों राइट हैंड साइड होंगे ना, बड़ा जीरो से ही बड़ा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वो मैं पहले वाला ही दिमाग में चल रहा हूँ, ग्रेटर देन जी तो जीरो से, हाँ तो जीरो के राइट में चला गया ये भी है जी सर, तो ये जीरो से इंफिनिटी हो गया, तो एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी और जीरो इंक्लूडेड में आ गया है। और जब जब केसेस बनते हैं तो यूनियन लेना पड़ता है। देखो फाइनल आंसर आपका आ गया माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन जीरो से इंफिनिटी, यही बता रहे थे आप? यस सर जी सर, यही। ठीक है, उतना टफ तो नहीं था। हाँ इसको ट्राई करते हैं, चलिए। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग ऑफ 9 एक्स माइनस 1/4, इसका डोमेन निकालना। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव होना चाहिए ना जी सर, ये पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के अंदर जाना है इसको, तो यहाँ से आपको मिल गया एक्स ग्रेटर देन वन नहीं, उसके बाद आपका जो लॉग ऑफ 9 एक्स माइनस 1/4 है माइनस वन से वन, इसको माइनस वन से वन होना पड़ेगा, और लॉग ऑफ 9 इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग 9 बेस पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स माइनस 1/4 इस तरफ हो जाएगा 9 की पावर माइनस 1, इस तरफ हो जाएगा 9 की पावर 1, तो एक्स माइनस 1/4 इस तरफ 9 और इस तरफ 1/9, तो ये हो गया कितना 36 और 1 37 है, 13 by 9, ये भी included. तो यहां से इस पे और इस पे अगर मैं कुछ कॉमन देखूं, कॉमन देखना पड़ेगा है ना, तो नीचे वाले जो तो नीचे वाले आ रहे हैं, ये सब इंटरवल नीचे वाले कोई आ जाए, तो x belongs to 13/9 से 37 ही आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये देखो जरा, इसको ट्राई करो। fx is equal to log 10 base पे 1 minus, फिर log of 10 base पे x square minus 5x plus 16, ये क्लोज, फिर बाहर वाला क्लोज, इसका भी डोमेन ही निकालना है आपको। सॉरी, कर्ली ब्रैकेट क्या फ्रैक्शनल पार्ट है? ना ना ना, अभी नहीं है कर्ली। चलिए सर, 5x के बाद क्या लिखा है? प्लस 16, सर 2 से 3 2 एंड 3 बोथ नॉट इंक्लूडेड।
से थ्री यस सर टू से थ्री मेरे ख्याल से ये भी आसान है नहीं यस सर तो पहले तो अंदर वाले लॉक को देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्सटीन पॉजिटिव होना चाहिए विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर नहीं क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो नेगेटिव आ रहा है ना yes, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपना साइन नहीं बदलता है और वो पॉजिटिव आ रहा है तो थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगा क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा हुआ है और दूसरा बाहर वाले लॉग के लिए वन माइनस लॉग ऑफ टेन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्सटीन भी पॉजिटिव होना चाहिए यहां से log of 10 base पे x square minus 5x plus 16 इस साइड गया तो less than 1 अब log की प्रॉपर्टी increasing function है तो 10 की पावर 1 x square minus 5x plus 16 यहां से बन गया x square minus 5x plus 6 less than 0 number line पे कितना आएगा ये 2 and 3 आ रहा है दोनों में से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है प्लस माइनस प्लस मुझे माइनस चाहिए ऊपर तो ऑल रियल नंबर है कोई इंटरसेक्शन की जरूरत भी नहीं है तो देयरफॉर आपका डोमेन आ गया 2 से 3 ये आपका डोमेन सही है ये तो इसको ट्राई करो fx इक्वल टू log 2 बेस फिर इसके अंदर log 3 बेस फिर इसके अंदर log 4 by pi बेस और फिर इसके अंदर tan इनवर्स x फिर उसके ऊपर माइनस वन इसका डोमेन निकालना है सर पिछले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले का डोमेन r कैसे है बच्चों क्वाड्रेटिक था ना ग्रेटर देन 0 बोल रहा है कोई भी क्वाड्रेटिक अगर ये ऐसा था इसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0 था ना अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स बताओ नंबर लाइन बनाओगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे कोई रूट नहीं है इसका इसके रूट्स इमेजिनरी हैं जी सर तो यहां पर कोई टर्निंग पॉइंट आया नहीं साइन चेंज होगा नहीं तो किसी एक पर इंटरवल बना नहीं एक ही इंटरवल है आपके पास और वैल्यू चेक कर लो इंटरवल में साइन क्या आ रहा है कोई वैल्यू पुट कर लो मैंने जीरो पुट किया तो पॉजिटिव आ गया तो थ्रू आउट साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रूट के रूट चाहिए हो ना साइन चेंज करने के लिए रूट चाहिए होते हैं रियल रूट्स तो रियल रूट्स तो ये पॉजिटिव चाहिए पॉजिटिव मिल गया थ्रू आउट द इंटरवल इसलिए मैंने एक्स बिलोंग्स टू आर लिख दिया ये देखिए हुआ किसी का सर 0 से 1 है आंसर 0 से 1 0 से tan 1 आ रहा है tan 1 ये यस सर tan 1 आ रहा है नहीं आ गया tan 1 किसे आया सर वो 4 by pi है तो 1 आ चुका है तो tan 1 तो पता नहीं 4 by pi है हाँ देखो सबसे पहले तो आपका जो tan इनवर्स x है उसके ऊपर माइनस भी लगा हुआ है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लॉग के अंदर तो 1 अपॉन tan इनवर्स x भी पॉजिटिव होगा और उसका मतलब हुआ कि आपको tan इनवर्स x को पॉजिटिव होना चाहिए सीधे से बात x ग्रेटर देन 0 है ना और tan इनवर्स x पॉजिटिव कब होगा जब x आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा Yes. X आपका 0 से pi by 2 के बीच में होना चाहिए सर x तो x यहाँ पे 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि tan inverse है yes pi by 2 थोड़ी है क्या तो tan inverse खुद एंगल होता है सर अच्छा tan inverse tan x ले लीजिए ठीक है tan 3 हां तो tan inverse x greater than अगर 0 है तो x की वैल्यू तो कुछ भी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है ना यस ठीक है एक्स आपका पॉजिटिव हो गया यहां से तो ये निकला कि एक्स पॉजिटिव हो गया अच्छा अब यहां पर देखें उसके बाद हम लॉग की बात करते हैं तो लॉग के अंदर लॉग ऑफ पाई बाई फोर
ये वाला पॉजिटिव, अगर मैं इसको पॉजिटिव कर लूं, एक ही साथ कर लेते हैं, log of 3 सर, तो x greater than tan inverse n1 pi tan inverse x की पावर माइनस 1 को अगर मैं पॉजिटिव कर लूं, तो बाहर वाले को कर लिया तो अंदर वाला तो अपने आप ही हो जाएगा ना। तो अगर इनइक्वालिटी देखा जाए तो ये log of 4 by pi और ये tan inverse x इसके ऊपर माइनस 0 से 1 आ रहा है सर, तो ये greater than 1 हो गया, greater than 1 हो गया। अब यहां से फिर अगर मैं इसको tan inverse x का greater than, तो यहां से ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, तो tan inverse x का इनवर्स, अब देखो 4 by 5 तो 1 से छोटा होगा क्या? नहीं, 1 से बड़ा ही होगा, बड़ा 4 by 5, 1 से बड़ा, तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, तो ये 4 by 5 हो गया ना ये वाला। यस सर। अब यहां से अगर ये इसको उल्टा करूं, रेसिप्रोकल करूं, तो tan inverse x less than pi by 4 हो गया। यस सर, वर्क लेस देन 1 हो गया। और ये tan inverse x 0 से बड़ा है, तो tan inverse x आपका pi by 4 से छोटा है, और 0 से भी, ये 0 से बड़ा कहां आया, कहां से आया, ये वाला है ना, इसको भी यूज कर लिया, तो यहां से आपका जो x की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर pi by 4 1 दे देगा ना, तो x belongs to 0 से 1, ये लीजिए, ये आया ना। थैंक यू सर। इसको देखो है, थोड़ा सा टफ दे रहा हूं इस बार, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पार्ट ऑफ एक्स, ये जो है इनके यूजुअल मीनिंग है क्वेश्चन में, और आपका फंक्शन जो है ऐसा है, लॉग है और यहां पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट, और यहां है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट, उसका डोमेन क्या होगा? ट्राई करो है, सर x belongs to phi, yes sir, phi चेक कर लेंगे मैं, नहीं नहीं एक सेकंड सर, एक सेकंड, यस सर x belongs to phi, यस सर, वन माइनस एक्स स्क्वायर लॉग के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई, हाँ देखो ये जो वन माइनस बेस है ना, पहले बेस चेक करेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेस भी अननोन है, तो बेस में फ्रैक्शनल पार्ट लगाओ सर, सर बेस की जगह अगर आर्गुमेंट चेक करेंगे आप तो जल्दी आ जाएगा, हाँ आर्गुमेंट चेक करेंगे तो जल्दी, यस सर, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x की एक ही वैल्यू आएगी 0, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू इनफिनिटी तक, और यहाँ क्या आएगी, ये सर वही कह रहा था, वो क्या बोलते हैं 1 आएगा वहां पे सर, दूसरे साइड पे greater than 1 बोला ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना, yes, sir. 1 से बड़ा है तो 2 से शुरू होगा, 2 से 0 है तो 2 से 3,
वन नहीं आएगा, टू आ जाएगा, मतलब ऐसे होगा, ये ऐसा हो जाएगा, टू आएगा, नहीं सर टू आएगा, सॉल्व वो बाद में उसके बाद कर रहे हो सर, टू क्यों आया है सामने सर, वन ही तो आएगा सर, वन आएगा सर वो, हाँ पहले सर जीरो से बड़ा होगा, जीरो से वन आएगा, ग्रेटर देन जीरो करना चाहिए आपको, यस सर, करना सर ग्रेटर देन जीरो, क्या यहाँ पर जीरो है तो ये वन आ जाएगा, सही कह रहे हो, तो फिर वापस यहाँ जीरो हो जाएगा ना, ये सब जीरो, और फिर तो माइनस इनफिनिटी गलत रेंज में आएगा तो ऐसा हो नहीं सकता है, अब देखो एक्स स्क्वायर, हाँ जो हो सकता है क्यों? इसने तो पूरा आसान कर दिया, तो यहाँ से एक्स की केवल एक वैल्यू पॉसिबल है, केवल एक वैल्यू पॉसिबल है, जीरो, जीरो। और जीरो के लिए ये डिफाइंड, जीरो के लिए देखो ये क्या हो गया, नहीं होगा सर डिफाइंड, वो बेस जीरो हो जाएगा फिर, तो अगर एक्स इक्वल टू जीरो कर दें तो वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आपकी जीरो हो जाएगी, तो देयरफॉर आपका लॉग एफ एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे, देखो सुनिए मैं बता रहा हूँ क्या है, तो इसका मतलब आपका डोमेन फाइनल सेट हो जाएगा, देखो किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है ना, yes, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे वो इंटीजर नेगेटिव हो, उसका अगर मैं माइनस थ्री बोलूं उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी जीरो होता है, तो जैसे ही मैं इसमें जीरो पुट करूंगा तो ये वन बन जाएगा, और वन एक इंटीजर है तो वन का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो जाएगा, नहीं इसलिए आपका जो एफ एक्स है वो डिफाइंड ही नहीं होगा, लॉग का बेस जीरो हो गया, हाँ यहाँ से, और अगर मैं पहले बेस ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट वाला एक बार बता दीजिए बच्चे, फ्रैक्शनल पार्ट की क्या डेफिनेशन है, जीरो से वन के बीच होना चाहिए, अगर आपका इंटीजर पे जीरो देने लगता, अगर एक्स आपका इंटीजर होगा तो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो जीरो देगा ये वाला, अदरवाइज ये आपका जीरो से वन के बीच में कुछ देगा अगर इंटीजर नहीं हुआ तो, अब एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, यहां से देखो आपके डोमेन में केवल एक ही एलिमेंट आया है, डोमेन आपके यहां से आपके डोमेन में केवल एक ही एलिमेंट आया है, और इसको जब मैं इसमें पुट कर रहा हूं तो आपका जो बेस है ना वो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो जीरो आ जा रहा है, और वो लॉग में जाना है, उसको लॉग का बेस जीरो नहीं हो सकता, इसलिए वो जो जीरो आया था उसे भी आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा यहां से पता मैं कैसे सोच रहा था, हालांकि एक बात तो सही है, मैं सोच रहा था कि x की ये जो अंदर वाला इंटीजर हो जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो जाएगा, मतलब आपका x इंटीजर नहीं होना चाहिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटीजर नहीं होना चाहिए, और x इक्वल टू जीरो के लिए वो इंटीजर प्रूव कर देता, फिर नाल आ जाता मेरा भी आंसर, है ना। तो yes. अब यहां से थोड़ा सा ज्यादा आसान हो गया क्योंकि ये सिंगल पॉइंट आ गया, उसी को चेक करना बाकी रह गया बस, सही है ठीक है। एक इसको ट्राई करो, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.2 की पावर 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 5 फाइंड डोमेन, इसको फटाफट कर दो,
5/3 से 2 बिल्कुल सही है। तो ये तो इजी है मेरे ख्याल से, नहीं? यस यस सर। 0.2 को 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 की 2x-3/x-2 माइनस 5 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 1/5 ग्रेटर देन 5, तो आपने ऐसा लिख दिया होगा इसको, लेस देन बाद में करेंगे। चलिए इसको 1/5 ऐसा लिख देते हैं ना, अब करना पड़ेगा, बेस 1 से छोटा हो गया, लेस देन करना पड़ेगा, लेस देन माइनस 1, नहीं इधर आके प्लस 1 हुआ, तो 2x-3 + x-2/x-2 लेस देन 0, वे भी कर लेते हैं फटाफट, 2x + x 3x - 5 है? क्या आया ऊपर नीचे, एक तो 2x - 5/3 कितना होता है, 5/3 तो 2 से छोटा होगा ना, 2 राइट में आएगा, 5/3 इधर आएगा, ये आया आपका, ये बताया था आपने, ठीक है ये तो आप आराम से कर रहे हो। एक चलिए 5/3 इंटीग्रल होगा ना, 5/3 इंटीग्रल होगा, नहीं बच्चे नहीं होगा सर, कहीं पे भी इक्वालिटी आ ही नहीं है ना सर, है ना, वो डिनोमिनेटर में है ना बच्चे, डिनोमिनेटर में तो इक्वल टू नहीं आएगी ना, 1 अपॉन में है वो, अगर न्यूमरेटर में होता तो आ जाती सर, तब भी नहीं आ रही सर, 0 हो नहीं सकता ना, जीरो नहीं हो सकता ना सर, स्मॉलर देन जीरो है, स्मॉलर देन इक्वल टू कहाँ है, नहीं नहीं अगर ये न्यूमरेटर, अगर ये 1 अपॉन नहीं होता कह रहा हूँ, ऊपर होता न्यूमरेटर, तब यहाँ इक्वल टू आता कह रहा हूँ ये वाला, अच्छा अच्छा हाँ, देखो इसको करके देखो फिर, कंपोजिशन नहीं बोल सकता ना, अभी कंपोजिशन नहीं दे सकता, सॉरी कंपोजिट फंक्शन नहीं दूंगा अभी, क्या दूंगा सर, ये जीआईएफ वाले और जो हम लोग अभी तक कर चुके हैं उसके कोई क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, हाँ हाँ दे देंगे, नहीं आप सब करने पड़ेंगे बच्चे, आप तो अब ख्याल जीएफ का क्या, सब करने पड़ेंगे, अब लॉग आपको आता ही है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, मतलब सर जो मतलब कंपोजिट और इवन ऑड वगैरह सब छोड़, हां हां इतना करा चुके सर, एक एक शीट आपको पूरी डोमेन की करनी होगी, एक शीट आपको पूरी रेंज की करनी होगी, डोमेन वाले भेज दीजिए, डोमेन वाले, और आज मैं रेंज भी स्टार्ट करूंगा अभी, और डोमेन और रेंज वाली भेजने की कोशिश करूंगा, सर पैकेज में बिल्कुल मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, हां पैकेज नहीं, पहले असाइनमेंट लगाओ जो हम देते हैं वो पहले करो, फिर पैकेज भी साथ साथ करना, लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है x+1/2 ये, फिर यहाँ मॉड लगा हुआ है x²-x-2, अब इसका डोमेन निकाल के बताओ, ठीक है
आंसर बताऊं आपको? सर सर x belongs to close interval 3/2 से infinity, infinity पर नहीं होगा मतलब close, और excluding 2 नहीं होगा. टू पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आर्ग्यूमेंट है आपका ऊपर वाला वो जीरो हो जा रहा है. हो जा रहा है, जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल सही है. तो ये वाली चीज, ये देखो पॉजिटिव, यहाँ तो पॉजिटिव का चक्कर ही नहीं है ना कोई, लॉग के अंदर या मॉड के वजह से सब कुछ एक्सेप्ट करेगा ये. यस सर. तो बस सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, बस इसको ये मेक श्योर कर लो आप, है ना. जीरो, लॉग ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड होता है, बाकी तो हमें हर हाल में पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा. बस तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू जीरो नहीं होना चाहिए. यहाँ से एक्स की आपकी कौन कौन सी वैल्यू आएगी जो नहीं होगी? -1 or 2 आपके नहीं होना चाहिए. ये होगा मेरे ख्याल -1 or 2. ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए. ये बच्चे मॉड लगा हुआ है ना, सब मॉड है तो पॉजिटिव भी होगा, तो मॉड कैसे एक्सेप्ट कर ले? अगर मॉड है तो ये तो हर हाल में पॉजिटिव ही देगा, तो वो तो लॉग में कोई प्रॉब्लम है नहीं. इसको प्रॉब्लम सिर्फ है कि जीरो की प्रॉब्लम है बस. अब देखो आप ना क्या करो ना, आप अपने इनपुट को फॉलो करो. आपका एक्स कहाँ जा रहा है? आपका एक्स जब यहाँ जा रहा है इस इनपुट वाले ब्रैकेट में जा रहा है, तो उसके बाद जो कुछ भी आप अंदर इवेल्युएट होगा फाइनली वो मॉड करके पॉजिटिव बन जाएगा, लॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बाकी अगर ये मॉड नहीं लगा हुआ होता ना तो फिर हमें चेक भी करना पड़ता, फिर पॉजिटिव देने पड़ते हमको. सही है? यस सर. यस सर. यहाँ इस प्रॉब्लम से आप बच गए. देखो मॉड लगा के क्वेश्चन इजी हो गया, मैं बताऊं आपको, है ना. केवल ये दो नंबर से प्रॉब्लम है. उसके बाद बेस, बेस की प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी आपको. आपका जो बेस है एक्स प्लस 1/2, इसको भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. और ये जो बेस है उसको वन नहीं होना चाहिए. ये होता है. यहां से आपको रेंज मिलेगी, ठीक है ना. एक्स प्लस 1/2 वन नहीं है, इसका मतलब है कि x प्लस 1/2 आपका 1 से लेकर 2 के बीच में नहीं होना चाहिए. नहीं, अगर 1 नहीं है तो 1 से 2 के बीच में नहीं होना चाहिए. x आपका 2 माइनस 1/2 3/2 नहीं होना चाहिए, और 1 माइनस 1/2 1/2, तो 1/2 से 3/2 के बीच में आपका x नहीं होना चाहिए. और यहां से तो आगे आपका ग्रेटर देन जीरो है ना, अभी पिछले बार क्या ही तो था. इस साइड क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा. और इस साइड क्या हो जाएगा? जीरो है. तो इस साइड आपका 1/2 आ गया, इस साइड इन्फिनिटी है. तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 से इन्फिनिटी, 3/2 से इन्फिनिटी, नॉट और 1/2 से 3/2 को काट रहा है ये. सही है, है ना. यहाँ से आप ऐसा करते हैं, उसको नंबर लाइन पर देखते हैं. ये कह रहा भैया 1/2 से इन्फिनिटी तक ले लो, फिर ये कह रहा नहीं भैया 1/2 से 3/2 तक मत लेना, काट दो. और ऊपर कह रहा है वो 2 भी मत लेना, बीच में 2 नहीं आना चाहिए. 2 यहाँ पर 2 को भी काटना पड़ेगा. तो जो बचा हुआ है वो आपका आंसर ये बचा हुआ है भैया, 3/2 से लेकर 2 तक ले लो, और उसके बाद आपका यूनियन 2 से इंफिनिटी. हाँ, ठीक है ना, 3/2 इंक्लूडेड होगा. यस सर.
नहीं होगा सर, काई नहीं होगा सर, रख के देख लीजिए, देखो ना इधर देखो ना, 3/2 से छोटा तो ये यहाँ इंक्लूडेड होगा, यहाँ से आपको काटना है 3/2 से छोटी वैल्यू, 3/2 को थोड़ी काटना है, अब चक ऊपर चक करके देख लो, ये आया, ये देखो है ना, तो इसकी वर्किंग बहुत ज्यादा मतलब आपको दिखानी नहीं होती, आपको सब एक स्टेप बाय स्टेप आपको करने होते हैं, मेरे ख्याल से ये भी हो गया। सर वहां पे जो मॉड वाला आपने लिखा था उसकी ग्रेटर देन 0 की जगह इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि आर्गुमेंट से नहीं सकता लॉक क्या। बच्चे आप ये बताओ x2 - x - 2 ग्रेटर देन 0 होता है? यस सर, ये तो हमेशा होगा, ऑलवेज ट्रू, किसी भी कोई ऑलवेज ट्रू होगा, बस प्रॉब्लम तब आएगी जब ये 0 हो जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम है। तो ऑल रियल नंबर में से केवल 2 नंबर्स आपने हटाने हैं, -1 नहीं चाहिए होगा आपको, 2 नहीं चाहिए होगा, और जब इसको सॉल्व करा तो -1 तो आया ही नहीं मेरे सॉल्यूशन में, 2 आया था, 2 को हटाना पड़ा, है ना? यस सर। हाँ अच्छा ये देखो, ये बोलता है fx is defined in interval 0 to 1, find the domain of function y equal to f of 10x। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरह से पकड़ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। जीरो से पाई बाय 4, बिल्कुल सही आंसर है। यस सर, जीरो से पाई बाय 4 सर, हाँ, लेकिन क्या सिर्फ 0 से पाई बाय 4 होगा? यस सर, अगर ये इंटरवल ना दिया होता तो ज्यादा हो जाता। ना 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 सर, इंटरवल दिया, इंटरवल दिया हुआ है, fx इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 टू 1, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of 10x, थर्ड क्वाड्रेंट पे भी होगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, n pi प्लस 0, तो देखो ये आपका y इक्वल टू f ऑफ 10x, तो आपका जो इनपुट है वो तो 10 को जाएगा ना, आपका इनपुट f को थोड़ी जाएगा, आपका इनपुट जाएगा 10 को, और 10 जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ना वो इसके बीच में होना चाहिए, तभी f एक्सेप्ट करेगा उसको, नहीं इससे मतलब n pi प्लस 5 बाय 4 हो जाएगा। हाँ, तो जो आपका 10x है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, जो भी आप इनपुट दोगे x की वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तब वो f एक्सेप्ट करेगा और आपको आउटपुट मिलेगा। यहां से आपने क्या किया, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया, लेकिन आप x, अगर 10x का ग्राफ देखो आप, भाई पीरियोडिक फंक्शन है जो मैं बताना चाह रहा हूं वो देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप 10 के ग्राफ को देखते हो तो ऐसा बनता है, एक ब्रांच तो ये है, आपने केवल इसी ब्रांच को कंसीडर किया, अरे भैया ये भी तो होगा, yes. और yes. जीरो से वन yes, के बीच में आप ये आपने ले लिया, अरे भैया इसको नहीं लोगे, इसके बाद जो आगे आएगा क्या उसको नहीं लोगे, इसके पीछे जो आएगा वो भी तो आएगा ना, ये ऐसे भी तो आएगा, ये वाला भी तो आएगा, ये सारे भी तो 0 से 1 के बीच में आएंगे, तो यहां से आपने जो किया ना, x belongs to 0 से π/4, और आपको पता है कि 10x periodic function है, ये तो पता ही हमने पढ़ा ही है, और लेकिन 10 का पीरियड क्या है,
पाई तो अब एन पाई ऐड कर दो दोनों तरफ एन पाई और एन पाई प्लस पाई बाई फोर ये आपका सारे आंसर्स को हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जब इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे तो हमने किया था ना ये चीज ये भी ध्यान रखना है आपको ना आपको अपने एक्स का एक तरह से कंपोजिट फंक्शन का ही एक क्वेश्चन बन गया ना हाँ तो बिना कंपोजिट का नाम लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है ना चलिए एक ऐसा ही और ट्राई करो fx इज डिफाइंड इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से जीरो माइनस इंफिनिटी से जीरो है तो फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू f के अंदर six फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस फाइव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वन क्लोज सही है where this is fractional part ek question mein likha hua hota hai ha apne aap nahi manna hai jab question mein likha hua hai tabhi manna hai ye iska bracket ka matlab fractional part hai सर ऐसा पूछा है मतलब कि जितने भी इंटीजर्स होंगे प्लस वन बाय टू कॉमा जितने भी इंटीजर्स होंगे प्लस वन बाय थ्री आंसर मैं देखूं किस फॉर्म में दे रहा हूं उसे अगर एन ले लेंगे तो एन प्लस वन बाय टू से एन प्लस वन बाय फोर वैसे ही है सर हाँ अब बताओ fx is defined in the interval minus infinity to zero x belongs to हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये six fractional part of x square minus five fractional part of x प्लस वन होगा इसको माइनस इनफिनिटी से जीरो के बीच में लाई करना चाहिए है ना मतलब नेगेटिव होना चाहिए कुल मिला के क्यों yes, तो हम क्या करेंगे तो सिक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन लेस देन जीरो को सॉल्व कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को अगर टी ले लें तो सिक्स टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस वन लेस देन जीरो ठीक है और टी की क्या रेंज है वन बाय थ्री से वन बाय ना ना यहाँ पर भी तो देखो ये भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना तो इसका इसका वेव वेवी कर्व क्या बनता है सिक्स सेटिस्फाई हुए नहीं फटाफट बताओ जरा क्या बनेगा इसका सर वन बाय टू वन बाय टू और वन बाय टू और थ्री वन बाय टू और वन बाय 2.1 और 1/3 1 बाई थ्री छोटा होना चाहिए ना यही है yes. तो प्लस माइनस प्लस टी बिलोंग्स टू 1 बाई थ्री से 1 बाई टू तो यही आ गया मेरे ख्याल से है ना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो
वन बाई थ्री से वन बाई टू, ये है ना आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वन बाई थ्री से वन बाई टू के बीच में रहेगा, है ना। तो आपका एक्स आ जाएगा एन प्लस एन प्लस एन प्लस वन बाई थ्री से एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू तक, ठीक है। अगले का टू से इनफिनिटी, टू इंक्लूडेड। यस सर, यही आ रहा। यस सर, यस सर, ये आ जाएगा सर। क्या आ रहा है? टू से इनफिनिटी, टू इंक्लूडेड। टू से इनफिनिटी, टू इंक्लूडेड। और सर इसकी रेंज में केवल एक ही एलिमेंट होगा। इसकी रेंज में केवल एक ही एलिमेंट होगा। यस, ये भी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आपका वन नहीं होना चाहिए। तो यहां से मतलब हुआ कि वन से लेकर टू के बीच में आप नहीं होने चाहिए। yes. और यहां से ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ कि आप वन से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकते हो, नहीं? yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया वन से लेकर इंफिनिटी तक आप कुछ भी हो सकते हो, ये कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि भैया वन और टू के बीच में नहीं लेना है आपको, तो बस टू से लेना शुरू करना पड़ेगा। तो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू टू से इनफिनिटी, क्या यही आंसर है? टू इंक्लूडेड? यस सर। यस सर, टू यहां नहीं, यहां अगर काट रहा, यहां काटा है तो यहां इंक्लूड करना पड़ेगा ना। टू से इनफिनिटी यही आंसर है बस सर। वो टू इंक्लूडेड के लिए क्या रीजनिंग थी? बच्चे यहां काटना है आपको, आपको वन से लेकर जो आपको काटना है ना, आपको वन को काटना है, टू 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, आपको टू को नहीं काटना है। टू के ये अगर टू को नहीं काटना है तो इंक्लूड हो जाएगा ना रिजल्ट में, वो लेस देन है। यस सर, समझ। ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरी हम पढ़ेंगे रेंज की। ठीक है, रेंज निकालने के लिए मुझे रेंज को डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है, है ना। सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फंक्शन, है ना। तो हाउ टू फाइंड रेंज, हमारा जो एम है वो ये है, हाउ टू फाइंड रेंज। अब इसका कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं होता, सही है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा मेथड का कंबाइन करके यूज करना पड़े, ठीक है। तो यहां रेंज के लिए, रेंज का मामला, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऐसे हो सकते हैं जो अभी आप आगे पढ़ोगे, मतलब कैलकुलस मैक्सिमम मिनिमम यूज करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो मैं बेसिकली एक फ्लो चार्ट देता हूं आपको, हम सोचना कैसे शुरू करेंगे, हम कैसे सोचेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फाइंड डोमेन फाइंड कर लेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, पहली चीज। अब यहां पर देखो, अगर तो एक्स आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी को बिलोंग करता हो बिना किसी डिसकंटिन्यूटी के, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी अगर आपका करता हो, तो उस केस में तो ये मेथड बड़ा कारगर होता है, क्या, कि एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ये वाला मेथड हम लोग यूज करना चाहिए, पहले सिचुएशन ये। दूसरे सिचुएशन में कभी कभी आपको ना ऐसा मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे माइनस होंगे आपके, एक या दो पॉइंट बीच में कहीं, है ना, फंक्शन आपके ऐसे टूटेगा बीच में, डिसकंटिन्यूटी होगी, ऐसा वाला,
ठीक है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ये ही मेथड ट्राई करते हैं, एक्सप्रेसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। और इन इन तीनों पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अभी मैं खाली फ्लो चार्ट बता रहा हूं, अभी एग्जांपल दूंगा तो थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है ना। ए बी सी जो पॉइंट्स हैं मस्ट ऑल्सो बी कंसीडर्ड, पता है इस पॉइंट पे क्या हो रहा है वो भी देखना होता है। तीसरा, अगर आपका रेंज इस तरह से आ गया, ए से बी इस तरह से आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका आपका डोमेन जो ए से बी आ गया इस तरह से आ गया, एंड वी नो रेंज ऑफ ए और बी नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के केस में इंक्लूडेड हो चाहे ना हो, और भी लगा ऐसे भी लगा देता हूं मैं साथ में, वी नो इफ एंड वी नो एंड इफ वी नो द रेंज ऑफ सम पार्ट, ठीक है ना, तो देन वी प्रोसीड बैकवर्ड स्टार्टिंग विथ डोमेन। अभी मैं एग्जाम्पल देके क्लियर करता हूं इनको, है ना। जैसे मान लो ये है ना 3 + 4 sin x, है ना 3 + 4 sin x, तो sin x की रेंज मुझे पता है ना, तो sin x से मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा फंक्शन की तरफ को, ठीक है ना, वो मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। कभी कभी हम लोगों को am gm लगाने से भी नहीं घबराना चाहिए, और अगर आपका एक्सप्रेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, हाँ अगर आपका एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या रिड्यूसेबल टू अ क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग के लिए बेस्ट मेथड रहता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, नहीं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं ये खाली एक रेफरेंस के लिए है कि आप अपना सोच को कैसे ले जाओगे, कैसे सोचना शुरू करोगे, ठीक है ना। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इस तरह से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। द एक्सप्रेशन अगर रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक होगा तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करना चाहिए, ठीक है ना। इन सब के एग्जांपल्स अभी आएंगे, और क्या हो सकता है इसमें, हाँ अगर मान लो कुछ भी नहीं क्लिक कर रहा तो हम यूज करेंगे कैलकुलस, कहां पर इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, कहां पर डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यूज ऑफ कैलकुलस कहां यूज हो सकता है, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ना, है ना। तो इस पर मैं ज्यादा डिटेल अभी नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। तो जहां जहां पर छोटा मोटा फंक्शन आएगा वहां पर अगर मैं डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा तो मैं डिफरेंशिएशन का भी यूज कर लूंगा, ठीक है। अच्छा सबसे मुश्किल काम यह है, इफ द गिवन फंक्शन इज हाईली डिसकंटिन्यूअस पीस वाइज डिफाइंड हो, डिसकंटिन्यूअस हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो, सारी प्रॉब्लम्स हो यहां पर, है ना। पीस वाइज डिफाइंड है तो इसके डोमेन भी अलग अलग होंगे, डोमेन के टुकड़े बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारे मल्टीपल टुकड़े होंगे डोमेन के। डिसकंटिन्यूअस है तो कर्व में कहीं जंप होगा, कहीं टूटा होगा, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो डिफरेंशिएशन भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग ऑब्जर्वेशन से करते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगा, सबके एग्जांपल्स लेके आपको दिखाऊंगा मैं। तो बेसिकली ये एक फ्लो चार्ट रहेगा हमारा, ठीक है ना, ये कुछ इस ऑर्डर में। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फिर हैं दो चार क्वेश्चन जितना भी अभी हो सकता है, क्योंकि ये रेंज थोड़ा लंबा टाइम लेगा।
जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, ये है जैसे। अच्छा सबसे पहले देखो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है मेरे ख्याल से, देखो तो मेरे हिसाब से इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, नहीं है? अब डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होना चाहिए, यस सर, और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ये, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी वाला केस बन गया, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी वाला केस बन गया ना, वाई के टर्म्स में। अच्छा नहीं नहीं अभी उसमें एक चीज और देखो, क्वाड्रेटिक्स इन्वॉल्व है ना, क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व है ना, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, इसे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाला करो, प्लस 4 प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2 हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, डोमेन से स्टार्ट करूंगा, यहां से बैकवर्ड तीन मेथड यूज हुए देखो इसमें ना, x आपका लाई कर रहा है माइनस इंफिनिटी से, इक्वल टू नहीं होता ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये डोमेन में दिया हुआ है ऊपर, और ऊपर से क्वाड्रेटिक भी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी मैंने कर दिया। अब जब मैं इसमें से माइनस टू करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को, लेकिन जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना तो फर्क पड़ जाएगा, इंफिनिटी, और जब मैं इसमें टू ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे टू और ये x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू, और राइट हैंड साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये बन गया आपका x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, यानी कि टू से इंफिनिटी के बीच में। अब मैं इसका अंडर रूट ले लूंगा, और आपको पता है ना केवल पॉजिटिव नंबर का ही अंडर रूट ले पाएंगे, इंफिनिटी में कोई फर्क नहीं, यहां पर रूट टू। उसके बाद क्या करना है मुझे इस फंक्शन में, रेसिप्रोकल करना है, और जब रेसिप्रोकल करेंगे इसको तो ये इंफिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो बन गया और रूट टू का रेसिप्रोकल वन बाई रूट टू बन गया, और ये मेरा फंक्शन बन गया वाई मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू वन अपॉन रूट टू। तो आपकी रेंज आ गई y बिलोंग्स टू जीरो से वन बाई रूट टू, ये देखिए ये आपकी रेंज आ गई इस क्वेश्चन, सही है? तो यहां पर मैंने दो तीन चीजों को मिक्स किया, मैंने डोमेन निकाला। अच्छा एक्सप्रेस भी कर सकते थे क्या, जरा देखें एक्सप्रेस करके देखते हैं, ठीक है जैसे एक्सप्रेस करके देखते हैं, कर सकते थे। y इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये वाली, वाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस सिक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सर एक अंडर रूट भी तो था। अच्छा अंडर रूट भी था तो वाई पर स्क्वायर आ जाएगा, है वाई पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाओ, फोर वाई स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस वन, और एक्स आपका रूट रियल है तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी रियल होंगे भाई, किसी ना किसी एक्स पे तो ये जीरो देगा ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लगा दें अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो सिक्सटीन वाई की पावर फोर माइनस फोर वाई स्क्वायर और ये सिक्स वाई स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से अगर मैं फोर वाई स्क्वायर को कॉमन ले लूं, फोर वाई यहां पर फोर वाई स्क्वायर बचेगा फिर, और यहां बचेगा सिक्स वाई स्क्वायर प्लस वन, सही कर रहा हूं मैं, अगर देखना कुछ गलत कर रहा हूं जल्दबाजी में कर रहा हूं, है ना? फोर वाई का स्क्वायर मैंने बाहर निकाला और बचा फोर वाई का स्क्वायर, यहां से फोर वाई का माइनस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना? अब यहां से फोर वाई का स्क्वायर और यहां से ये आया क्या आपका
टू वाई का स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो ना, और अगर मैं इसको वेवी कर्व लगाऊं इस पे जीरो वन बाई रूट टू ना, वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू नहीं, तो लेस देन प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस हो गया माइनस हो गया, मुझे प्लस चाहिए माइनस चाहिए सॉरी। अच्छा यहां पर देखो भैया फंक्शन की अपनी डेफिनेशन भी तो होगी ना, वाई पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर, अंडर रूट की डेफिनेशन है वाई पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं नहीं एक चीज और है ना, यहां पर साइन चेंज थोड़ी होगा जीरो के अबाउट ना। यस सर, सर क्योंकि इवन पावर है उस पे। हाँ ये वाई के ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ये कुछ ऐसा होगा माइनस, ये भी माइनस, यहां प्लस होगा, तो मैं इसके बीच में लाई करूंगा और जीरो भी इंक्लूडेड में आ जाएगा। और उसके बाद जो कंडीशन बोलता है कि भैया वाई तो पॉजिटिव होना चाहिए, अंडर रूट की डेफिनेशन है जीरो से वन बाय रूट टू का, ये आपका देखो इंटरसेक्शन आ गया जीरो से वन बाय रूट टू। ये अब इस वाले में देखो दोनों मेथड से आया है, लेकिन बेटर कौन सा है इसमें? मुझे लगता है ये वाला बेटर है, पहले वाला। क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक का अपना फायदा उठाया मैंने, क्वाड्रेटिक में कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगता है, यहां भी वैसे क्वाड्रेटिक बनी है लेकिन यहां डिस्क्रिमिनेंट की बात आ गई, यहां इनइक्वालिटी बनती है, सॉल्व करते हैं, बाकी दोनों थे मेरे ख्याल से। हां इसको ट्राई करो फिर, रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 3 है, साइन है, फिर अंडर रूट भी है, पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है इसकी रेंज निकालनी है। वेट करता हूं, सर माइनस थ्री बाय रूट टू से लेकर थ्री बाय रूट टू, माइनस थ्री बाय रूट टू से लेकर सर जीरो से थ्री बाय रूट टू, जीरो से थ्री बाय रूट टू आ रहा है सर। अच्छा रेंज निकालनी है आपको, तो रेंज में देखो नेगेटिव, अच्छा अच्छा नहीं हाँ देखो क्या गलती कर रहे हो आप, देखिए पहले डोमेन निकालना पड़ेगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर जाना है तो पॉजिटिव होगा, यहां से अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 कर देते हो लेस देन जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, हाँ अब पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, तो ये माइनस पाई बाय 4 और प्लस पाई बाय 4 के बीच में रहोगे ना आप, ये आपका डोमेन हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। अब जब देखो अब जब ऐसा है तो हमेशा डोमेन से ही स्टार्ट करो, क्योंकि साइन की रेंज तो पता ही है आपको, यहां से वापस शुरू कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, बैकवर्ड चलते हैं, x अगर इतना है तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, इस साइड जीरो आ जाएगा, इस साइड पाई स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा,
माइनस एक्स स्क्वायर करना है तो ये उल्टा हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 और इस साइड जीरो, इसमें पाई स्क्वायर बाई 16 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो इस तरफ पाई स्क्वायर बाई 16 हुआ और इस तरफ हो जाएगा जीरो, सही किया है देखो। और उसके बाद इसका अंडर रूट भी करना है ना, हाँ जब आप इसका अंडर रूट करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो ये तो पाई बाई 4 हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। फिर इसका साइन लेना है आपको, साइन ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो साइन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस इंटरवल में जीरो से पाई बाई 4 में इंक्रीजिंग है ना, तो ये जीरो हो गया, ये आपका साइन ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है, तो फिर कहां से आ गया, अच्छा 3 भी है ना, अभी 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3 अपॉन रूट 2 और इस तरफ 0, ये आपका y बन गया आपका, तो आपकी रेंज आ गई 0 से 3 बाई रूट 2, यही है। यस यस सर, तो देखो हाँ इसको देखो, रेंज रेंज ही निकाल रहे हैं अभी, हाँ इसी को देख लो, एफ एक्स एल एन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा इस क्वेश्चन में ना बिना डोमेन निकाले भी रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप डोमेन भी निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में डोमेन में भी आ सकता है, क्वेश्चन डोमेन निकालने को भी आ सकता है इस पे, ठीक है ना। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के होने से और लॉग के होने से ये हाईली डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा, नहीं क्यों, हाईली डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बन जाएगा, तो इसमें ऊपर वाले कोई मेथड काम नहीं आने वाले। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर के होने से समझ में आ रहा है, पर लॉग की वजह से क्यों, लॉग तो यार सारे नेगेटिव नंबर को खत्म करता है, कितना रिस्ट्रिक्शन। हाँ मतलब सर नेगेटिव नंबर को जो खत्म करेगा और बाकी डिस्कंटिन्यूटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही देगा, जो रूट है तो सर नेगेटिव आएगा ही। हाँ तो जिसमें जो आपका जो जो लॉग ने तो नेगेटिव को खत्म किया, नेगेटिव आउटपुट को यहां से, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ने डिस्कंटिन्यूटी दे दी, साथ में अंडर रूट भी है, देखो आप तीन फंक्शन है यहाँ पर, एक तो डिनोमिनेटर में भी है, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, तीसरा अंडर रूट भी है, और लॉग की प्रॉब्लम यहाँ आएगी नहीं वैसे बताऊं मैं आपको, तो ग्रेटर देन 0 पहले से ना, हाँ क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। यस सर, बस 0 नहीं देना चाहिए उसने, 0 कभी देगा ही नहीं, रेसिप्रोकल फंक्शन कभी 0 नहीं देता है, 1 अपॉन कुछ भी हो, मान लो 1 अपॉन कुछ भी हो तो कभी 0 नहीं दे सकता, दे सकता है क्या। अरे इसका ग्राफ बनाया था ना मैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनता था वो, जो यस उस टाइप का बनता था, 0 कहां देता था वो, तो लॉग की प्रॉब्लम, लॉग तो खाली यहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला, जो भी प्रॉब्लम यहां क्रिएट करेगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर और अंडर रूट ही करेंगे, फिर भी आपने ध्यान तो रखना ही है। चलिए देखें, वेट करते हैं इसके, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, अब क्योंकि इसमें अभी तक मैंने जितने कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं कोई काम नहीं करेगा, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेशन काम करेगा यहाँ पर बस। सर सर रेंज बता दूं सर प्लीज, रेंज बताओ सर, दो एलिमेंट आ रहे हैं सर रेंज में सर, एक जीरो सॉरी एक और एक सर क्या बोलते हैं ln of 1 by root 2,
रूट टू, दोनों बच्चे वन एक साथ कैसे दे देंगे यार, एक वन दे रहा है एक माइनस वन दे रहा है। अच्छा नहीं सर, यस सर यस सर, वही वही, एक वन दे रहा है माइनस वन दे रहा है, एक वन दे रहा है एक माइनस वन दे रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? यस सर बिल्कुल है सर, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सब पॉसिबल तो है। यस सर दो एलिमेंट आएंगे सर इसके, एक जीरो और एक वन बाई रूट टू रेंज में। कोई वैल्यू डाल के देखो जरा मुझे बताओ, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू डाल के देख लो फिर देखो क्या होता है। सर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट आपका मतलब 3 पाई बाई 2 से 2 पाई होता है, ठीक है, और मतलब अगर मान लीजिए 3 पाई बाई 2 और 2 पाई में किसी को भी ना रखें, उनमें बीच में कोई वैल्यू रख दें, तो cos x तो पॉजिटिव होता है, जीरो से वन में लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ करेगा। और वन नॉट इंक्लूडेड क्योंकि हमने एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं लिए, 2 पाई और 3 पाई बाय 2 नहीं लिया, कोई बीच का वैल्यू लिया। तो बच्चे cos x जीरो नहीं दे देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, मैक्सिमम सर 1 ही आ पाएगा। अच्छा हाँ हाँ यस सर, एक सेकंड, तो एक ही वैल्यू आएगी जीरो आएगी। यस सर जीरो आएगा। यस अच्छा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना बच्चे ग्राफ से अच्छा कोई तरीका नहीं है, ग्राफ से अच्छा तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x है ये बड़ा हो जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स से। आपको इक्वल भी नहीं करना है, इक्वल करने पे क्या होगा है ना, जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आप क्या करो, ग्राफ बनाओ, और ग्राफ क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो हम लोग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा हूं जीरो से चुपाई में बना लेते हैं। तो cos x का ग्राफ मैं ब्लैक से बना रहा हूं, डॉटेड पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू एंड टू पाई, ठीक है। और मैं क्या करता हूं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा cos x का, तो ये वाली वैल्यू ऊपर रह जाएगी, लाल से बना रहा हूं, यहां पर आप नीचे आ जाओगे यूं जीरो यहां पर, और यहां पर आप कहां आओगे, यहां पहुंच जाओगे आप, ठीक है, और यहां पर आप यहां पहुंचोगे, सारी वैल्यूज गिर जाएंगी नीचे जीरो यहां ऊपर। ये जो लाल रंग का मैंने ग्राफ बनाया है, क्या ये ग्राफ cos x, लाल रंग से मैंने cos x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाया, सही है, याद आ गया आपको ट्रांसफॉर्मेशन? yes. मैंने वो जो mod x के लिए बताया था वो मैंने लगा के cos x का बना दिया। एक बार डॉटेड रहने देते हैं, क्यों डॉटेड रहने देते हैं, चलो थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, रहने देते हैं। sin x को मैं ब्लू से बना लेता हूं, जीरो से शुरू हुआ, ठीक है, पाई बाई टू पे मैक्सिमम गया, पाई पे जीरो, थ्री पाई बाई टू पे मिनिमम आया और ये आया, ठीक है, ये जीरो से टू पाई पे। और इसको बना लेता हूं मैं ग्रीन से, जीरो वाला ये आ गया ना, ब्लू से ये आया, वन यहां आ जाएगा, ठीक है, ये इसके नीचे पूरा आ जाएगा ये वाला, फिर ये पूरा नीचे आ जाएगा ये वाला, इधर जीरो, ये पूरा का पूरा पोर्शन नीचे, यहां पर एक ग्रीन के लिए होल, फिर ये पूरा ग्रीन पे ओवरलैपिंग, ग्रीन पे ओवरलैपिंग ये, और फिर यहां पर ग्रीन आ जाएगा, रेड के लिए हॉलो ग्रीन के लिए। अब ये बताओ रेड वाला पोर्शन ग्रीन वाले पोर्शन से बड़ा चाहिए आपको, रेड वाला कहां कहां पर आ रहा है, x belongs to, देखो जीरो पे आ रहा है ना, रेड वाला ऊपर है ना, yes. उसके बाद ये देखो 2 पाई पे भी आ रहा है ना, 2n पाई पे आ रहा है, हाँ बाद में जनरलाइज करूंगा मैं, पहले फर्स्ट 2 पाई पे भी आ रहा है, जीरो जीरो और 2 पाई तो एक ही माना जाएगा है ना। चलिए अच्छा क्या कोई, देखो इस पे तो लाल और ग्रीन दोनों बराबर है, मैं थोड़ा हाईलाइटर ले लेता हूँ, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक, हाँ 3 पाई बाय 2 से, देखो इस वाले पोर्शन पे ग्रीन और लाल बराबर है, मुझे बराबर नहीं चाहिए, इस पोर्शन पे लाल नीचे रह गया ग्रीन ऊपर चला गया नहीं चाहिए, इस पोर्शन पे ग्रीन ऊपर है लाल नीचे है नहीं चाहिए, इस पे बराबर हो गया नहीं चाहिए, इस पे लाल ऊपर है
और ग्रीन नीचे है, एक और पॉइंट आ गया ना, ये वाला पॉइंट क्यों भाई, 3π/2 भी तो आ गया ना, थ्री पाई बाई टू में कॉस जीरो हो जाएगा, साइन नीचे चला जाएगा माइनस में, बड़ा तो चाहिए ना, बड़ा हो गया, तीन पॉइंट तो ये हो गया। चौथा क्या हो गया, इसके बाद देखो लाल वाला ऊपर है, कहां से कहां तक, 3π/2 से लेकर 2π तक। एक इसको एक काम करते हैं, इसको इंटरवल में लिख देता हूं ना सीधे, क्यों इसको ऐसे लिख देते हैं, 3π/2 से लेकर 2π तक, और जीरो यहां से हटा दूं क्या, 2nπ कर दूंगा इसको ना बाद में, ये आपका डोमेन हो गया ना, जनरलाइज कर लोगे इसमें, है ना, जनरलाइज में ऐसे लिखेंगे ना, 2nπ ऐसे कर दो ना सीधे यार, एक्स बिलोंग्स टू 3π/2 प्लस 2nπ से लेकर 2nπ तक, सही है, ये तो डोमेन हो गया, मुझे डोमेन से नहीं मुझे रेंज चाहिए था। अब देखो, अब रही बात रेंज की, अब यहां पर देखो फिर सर, cos x 0 से 1 में हो जाएगा उसका, हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आना चाहिए और sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सर 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 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है सर, cos x का एक एक केस ले रहा हूं ना, पहले cos x बड़ा, अच्छा ओके सर, ओके सर, एक एक केस ले रहा हूं, पहला केस ये है, अच्छा हां हां, cos x 1 sin x 0, तो cos x बड़ा हो जाएगा, और ऐसे सिचुएशन पे जब cos x 1 डालोगे sin x 1 डालोगे आपका जो fx आएगा वो आएगा ln of 1 1 1, जो कि जीरो मिल जाएगा आपको। दूसरा केस, अगर आपका cos x जीरो है तो sin x को आपके माइनस वन होना पड़ेगा, ये भी केस आएगा, yes, तो उस केस में आपका ln 1 ही आएगा, क्योंकि ये जीरो हो गया, ये माइनस वन का प्लस वन हो जाएगा, अंडर रूट करके वन हो जाएगा और ये जीरो, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पर, देयरफॉर आपका रेंज में केवल एक ही एलिमेंट आया, जीरो आया बस, सही है, यस सर, चलिए ठीक है, तो इतना ही रखते हैं फिर आज, ठीक है ना सर, रेंज की एक बार आ दीजिए, मैं थोड़ा सिग्नल वीक हो गया था, किसकी रेंज बच्चे, ये वाला बच्चे, आप यहाँ पर ना देखो, आपके पास ये ग्राफ cos x और sin x थोड़ी बच गए, आपके पास तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और डॉट है ये है ना, यस सर, अब आपको पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कब आ सकता है, जब cos x 1 हो और sin x 0 हो, यस सर, भाई ये देखो ना, cos x 1 बड़ा होना चाहिए, sin x 0 होना चाहिए, यस सर, तो उस केस में जब इसको मैं वैल्यू पुट करूंगा फंक्शन के ऊपर, देखो cos x की जगह आपने पुट कर दिया 1, sin x की जगह 0, तो 1/1 1/1 1 होता है, तो ln 1 कितना दे देगा आपको सर, 0 0, तो ये 0 आउटपुट मिल गया आपको। एक सेकंड वाला केस ये हो सकता है कि cos x आपका 0 हो लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x आपका -1 हो, है तभी तो cos x बड़ा हो गया ना, यस सर, ऐसे सिचुएशन पे भी अगर आप पुट करते हो तो आपको 0 ही मिलता है, देखो cos x की जगह 0 माइनस ऑफ sin x की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे अंडर रूट के बाहर 1, 1/1 1 आ गया, ये भी 0, तो इसके अलावा कोई और केस बताओ जब cos x बड़ा हो, पॉसिबल ही नहीं, यस सर, क्योंकि तीन ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो -1 या तो 0, यार ये दोनों आउट पॉसिबिलिटीज में आपको 0 मिला, तो आपको आउटपुट में केवल एक ही एलिमेंट मिला 0, तो आपका रेंज हो गया सिर्फ ये, सही है। चलिए फिर आज इतने ही क्लोज करते हैं इसको यहीं पर ही, ठीक है ना, अगले बार इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू सर, थैंक यू सर।